अंधेरी रात में देहरादून की सबसे व्यस्त रहने वाली आईएसबीटी में किशोरी को तनिक भी आभास नहीं था कि जिस ड्राइवर अंकल से उसने मदद ली है वही हैवान बन जाएगा। दिल्ली से देहरादून का सफर तय कर आईएसबीटी पहुंची तो आधी रात को 5 हैवानों ने बस में ही दुष्कर्म किया। किशोरी चिल्लाई लेकिन अंधेरी रात में उसकी चीख कोई सुन न सका। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कोलकाता के बाद उत्तराखंड से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। 12 अगस्त को दिल्ली से किशोरी ने बस के परिचालक देवेंद्र से पंजाब जाने का रास्ता पूछा तो उसकी नीयत खराब हो गई। परिचालक ने चालक के साथ मिलकर किशोरी को दिल्ली से देहरादून जाने और देहरादून से पंजाब जाने का रास्ता बताकर देहरादून ले आया। दून आईएसबीटी में बस पहुंची तो सभी सवारी उतरने के बाद किशोरी बस में ही थी। तभी परिचालक और चालक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। इसके बाद आरोपी ने दूसरे बस चालकों और रोडवेज के कैशियर को बताया कि सभी ने भी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना रात को 1 बजे के बाद हुई तो ज्यादा लोग आईएसबीटी पर मौजूद भी नहीं थे। दिल्ली में जब किशोरी कश्मीरी गेट पर थी तब उत्तराखंड परिवहन निगम की अनुबंधित बस के परिचालक देवेंद्र ने किशोरी को सही राह दिखाने की दिलासा दी। उसने दून लाकर फिर यहां से आगे जाने का रास्ता दिखाया। किशोरी ने भी ड्राइवर अंकल पर विश्वास जताया और बस में बैठ गई। लेकिन बस के परिचालक और चालक दून आईएसबीटी पर आते ही हैवान बन गए। सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी परिवहन निगम के कैशियर राजेश सोनकर ने वारदात की रात सरकारी खजाने की भी चिंता नहीं की। उनकी ड्यूटी कैश रूम में थी। वो कैश रूम को छोड़कर उस बस पर चले गए जहां पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। इसके बाद से वो लगातार कैश रूम में ड्यूटी कर रहे थे। शनिवार की रात को उन्हें पुलिस ने ड्यूटी के दौरान ही हिरासत में ले लिया। 12 अगस्त की रात परिवहन निगम के नियमित परिचालक राजेश सोनकर की ड्यूटी कैश रूम में थी। निगम की बसों के परिचालक कैश लाकर इनके पास जमा करते थे। रात 10 बजे से इनकी ड्यूटी शुरू हुई जो सुबह 6 बजे तक चलनी थी। इसी बीच रात में करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच ये कैश रूम छोड़कर उस बस पर चले गए जहां वारदात को अंजाम दिया गया। परिवहन निगम के अनुसार इस घटना की जानकारी निगम प्रशासन को नहीं थी, इसलिए वो लगातार ड्यूटी कर रहे थे। 17 अगस्त की रात को पुलिस ने उन्हें ड्यूटी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि आईएसबीटी परिसर में 12 अगस्त को रात सीएनजी बस जिसका नंबर UK07PA5299 में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसी रात किशोरी को CWC के बूथ में पहुंचाया गया। यहां से उसे पुलिस की जनरल डायरी में सूचना दर्ज कराकर बालिका निकेतन भिजवाया गया। अगले ही दिन काउंसिलिंग में बालिका ने सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का खुलासा किया, लेकिन इसके बाद भी संबंधित बस के संचालन को रोका नहीं गया। 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये सीएनजी बस देहरादून से दिल्ली के बीच दौड़ती रही। इस बीच कई बार बस की धुलाई सफाई भी हुई। 17 अगस्त को जब मुकदमा दर्ज हो गया इसके बाद पुलिस ने बस की तलाश की। चालक बस को दिल्ली से ले जाने की तैयारी में था तभी उसे रोक लिया गया। बस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। एक अन्य वॉल्वो बस नंबर UK07PA3999 भी संदेह के घेरे में है। इसके हेल्पर पर सामूहिक दुष्कर्म में शामिल होने का आरोप है। ये भी बताया जा रहा है कि इस बस का प्रयोग भी वारदात के दौरान किया गया। ये बस भी घटना के बाद से लगातार देहरादून ऋषिकेश होते हुए दिल्ली के लिए चल रही थी। घटना के बाद से लगातार इसमें सवारियां ले जाई जा रही थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी ये बस सवारियों को लेकर निकली हुई थी। पुलिस ने फोन पर जानकारी ली तो पता चला कि बस ऋषिकेश में है। इस बस को ऋषिकेश से वापस बुलाया गया। अब सवाल ये उठता है कि लगातार ये बस चलती रही, धुलाई होती रही, सफाई होती रही, क्या जो सबूत उस बस के अंदर मौजूद थे वो मिट गए होंगे, वो धुल गए होंगे, या फिर पुलिस या अन्य प्रशासनिक अधिकारी या फिर कानून उन सबूतों को खोज निकालेगा और जो मुजरिम है, जो गुनहगार है, उनको सजा मिलेगी। इस पूरी वारदात को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।